नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इधर लाओ ये फाइल। तुम्हारी ये हिम्मत प्राइवेट फाइल पढ़ने के लिए चोरी चोरी यहाँ तक आ पहुँचे? अरे क्या हो रहा है यार, राग धमाल क्यों छेड़ रखा है? देखिए तो नंबर जी, सेठ धर्मदास के काली करतूतों का भांडा फोड़ने के लिए मैं जो फाइल तैयार कर रही हूँ उसे मेरे ड्रॉयर से चोरी करके ये भागने वाला था। ये फाइल आ रहे मेरी है एडिटर साहब, ना जाने क्या बहर है मुझसे, पहले भी एक बार जबरन मेरे गले पड़ गई थी ये। वो गले में 400 पीसी तो इसने की थी। ये लम छटा हुआ बदमाश है, उल्लू बना रहा है आपको। अब आप ही फैसला कीजिए, ये फाइल मेरी है या इनकी। हाँ हाँ देख लीजिए देख लीजिए। हाँ राधा, इसमें तो कविताएं लिखी है। देखा एडिटर साहब, इनकी फाइल तो ड्रॉ में थी और उसकी चोरी का दोष मुझ पे लगा रही थी। ठीक है सर, चलता हूँ, नमस्कार। चलिए नमस्कार। कौन था वो? विजय वर्मा। वही जिसे कविता का वार्षिक पुरस्कार मिला है? हाँ, वो मेरा चेला बनना चाहता है। वो मसौदा टाइप कर डाला कमला जी? बस सर कर ही रही हूँ। देखो कहाँ तक पहुँची। लीजिए ना इलायची। धन्यवाद। एक संपादक के लिए ये पुरस्कार किसी अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से कम नहीं है। खाई खाई। इंटरनेशनल इलायची जिस पर मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसी और को मत दीजिएगा। जी नहीं, आप ही को दूंगी। हाँ थैंक यू। विजय जी। अरे आप और यहाँ बॉम्बे में कैसे? यही रहती हूँ, ये ज्वेलरी शॉप मेरे डैडी से धर्मदास की है, उन्हें लेने आई हूँ। वो आ गए। आपसे नहीं मिलूंगा तो फिर किससे मिलूंगा? डैडी मैं यहाँ हूँ। नमस्कार मुंशी जी। नमस्ते। कैसे हैं आप? बस अच्छा हूँ विजय बेटे। आप यहाँ कौन है? ये प्रेम बाबू के बेटे विजय साहब। नमस्कार। प्रेम बाबू? हाँ। ललिता को कैसे जानते? मुझे कॉलेज की जान पहचान है। देखो बरकरदार जी, मैं नहीं चाहता कि प्रेम बाबू का बेटा मेरी बेटी से ज्यादा जान पहचान बढ़ाए। आइंदा ललिता से दूर रहना, समझे? सुनिए, इन्हें बाबूजी से क्यों बह रहे? मैं क्या जानू विजय बेटे, ये तो बड़े लोगों की बातें हैं। अच्छा मैं चलता हूँ, आज ये बाल बच्चों को लेके गांव जाना है। अच्छा अच्छा। मुंशी जी, हाँ ये मारुति गाड़ी आपकी है? हाँ। आपके पास कैसे है? बात यह है विजय बेटे के, हाँ पिछले मैंने लॉटरी के कुछ टिकट खरीद लिए थे, बस लग गई लॉटरी। अच्छा अच्छा, लगता है तगड़ी लॉटरी लगी है आपको। जो शहर छोड़ के भाग रहे हो? जी नहीं, भाग कर रहा हूँ, आता रहूंगा ना कभी कभी। अच्छा चल चल चल। क्या हुआ बेटे, कुछ काम मिला? बस जुटा हुआ माँ, बड़ी मालदार पार्टी है, पड़ जाएगा मामला। मामला पड़ जाएगा? यानी कि काम मिल जाएगा वहां, बस कुछ ही दिनों की बात है। लो भैया भी आ गए। अरे रवि तेरा कुछ हुआ? अरे कहाँ हुआ, आ गए बेटे। कविता संग्रह के लिए पेशकी मिल गई? नहीं माँ, कुछ दिन बाद बुलाया। अब तो एक एक दिन काटना भारी पड़ रहा है। तू फिक्र मत कर माँ, सब ठीक हो जाएगा। अरे हाँ बाबूजी, बाजार में मुंशी जी मिले थे। मारुति गाड़ी में घूमते हैं आजकल। इतना रुपया मुंशी जी के पास कहाँ से आया? यही तो सवाल है, कह रहे थे लॉटरी लगी है। लग भी सकती है बेटे, अपने अपने नसीब हैं। आप तो सारी दुनिया को अपनी तरह समझते हैं बाबूजी। ये क्यों नहीं सोचते कि मुंशी जी ने अपना नसीब खुद खोला है, वही आबनूर हीरे उड़ाकर। मेरा भी ये ख्याल है बाबूजी। मुंशी जी धर्मदास के साथ निकले थे उसकी दुकान से, दोनों में खूब छन रही थी। तुम लोग तो बेकार शक किए जा रहे हो। अरे मुंशी जी कुछ कामकाज के लिए गए होंगे धर्मदास के पास। कौन से धर्मदास भैया? वही जो? जी हाँ, वही जौहरी धर्मदास जिसकी बेटी ललिता को आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। धर्मदास की बेटी से तुम्हारी जान पहचान कैसे हुई? वो बस यूं ही बाबूजी, पुणे में मेरे साथ पढ़ती थी ना, बड़ी अच्छी लड़की बाबूजी। मगर उसका बाप बड़ा गलत आदमी है, उन बाप बेटी से दूर रहो, समझे? मगर क्यों, क्या किया सेठ धर्मदास जी ने? कुछ 15 साल पहले उसने एक ग्राहक के साथ हीरों की हेरा फेरी की थी। मुझे हीरे पहचानने के लिए कोर्ट में बुलाया गया था। धर्मदास मुझे 1.5 लाख रुपए की रिश्वत देना चाहता था कि मैं उसके पक्ष में बयान दूं।
लेकिन मैंने वही कहा जो सच था और मेरे बयान पे उसे एक महीने की जेल हो गई थी। इसीलिए आज तक उसे बैर है आपसे। अब तो मुझे यकीन हो गया बाबूजी कि धर्मदास ने ही मुंशी जी को खरीद कर वो आप नूर हीरे उड़वाए हैं। लेकिन जब तक मुझे मुंशी जी के खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिलता मैं उन्हें वफादार ही समझूंगा। अब घर बैठे सबूत मिलने से तो रहा बाबूजी, उसके लिए हमें कुछ करना होगा। बस आपकी आज्ञा की जरूरत है। तुम क्या करना चाहते हो? पहले तो सेठ धर्मदास से मेलजोल बढ़ाना होगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई भी औलाद उस आदमी से किसी भी तरह का वास्ता रखे। धर्मदास से मेलजोल बढ़ाओगे तो तुम्हें भी जालसाजी के रास्ते पे चलना पड़ेगा। मगर सीधे तरीके से वो हीरे हाथ नहीं आएंगे बाबूजी। तो ना सही, मैं कभी गवारा नहीं करूंगा कि मेरे बेटे किसी भी हालत में गलत रास्ता अपनाए। साफ साफ बताओ रवि, तुम धर्मदास से हीरो के लिए मेलजोल बढ़ाना चाहते हो या उनकी बेटी के लिए? ओफ, आप लोग ये क्या समझ बैठे? बेटा, वो धर्मदास की बेटी है, दूर रहो उससे। मगर क्या ये जरूरी है माँ कि बाप अगर बुरा है तो बेटी भी बुरी हो? मुबारक हो मेरी जान, हम दोनों का प्यार भी रोमियो और जूलियट की तरह अमर होने वाला है। क्या है कि उन दोनों के घरानों में भी दुश्मनी थी और हमारे बापों के बीच भी कमाल की दुश्मनी है। दुश्मनी है? तुम्हें कैसे मालूम? कल शाम को पता चला कि हमारे बापों के बीच सांप और नेवले वाली सिचुएशन है और औलादें फांद बड़ी है धुआंधार इश्क में। हमारा प्यार अमर होकर रहेगा डार्लिंग। अमर होने के लिए मरना पड़ेगा डार्लिंग, रोमियो जूलियट की तरह कतार घूम कर। मुझे उस तरह नहीं मरना। हाँ वैसे ये भी ठीक है, इश्क में उमर खय्याम वाले पोज में मरना चाहिए, एक दूसरे को अंगूर खिलाते हुए, है ना? एक तरकीब है डार्लिंग, हम जहर से पहले अंगूर वाली सिचुएशन जमा देंगे। वो कैसे? अगर किसी तरह तुम्हारे बाप दी ग्रेट मुझे पसंद करने लगे और बाद में उन्हें पता चले कि मैं प्रेम बाबू का बेटा हूँ तो उनका जहर फीका पड़ जाएगा। गुड आइडिया। तुम मेरे बाप को मत बताना कि तुम अपने बाप के बेटे हो। तुम्हारे बाप को मैं नहीं बताऊंगी कि मैं अपने बाप की बेटी हूँ। अरे भोंदू, ऐसे हमारी माँ को गाली लगेगी। मैं कब कहती हूँ किसी और को बाप बनाओ। हाँ। हम कुछ दिनों के लिए अपने अपने बाप का नाम छुपाएंगे, बस इतना। हाँ तो फिर ठीक है, डन डन। तो चलो डैडी से मिलाओ तुम्हें, मेरी तरह उनके दिल में भी घर कर लो। लल्ली, वो इतनी जल्दी पटने वाले नहीं है। कुछ ऐसा चक्कर चलाओ कि मैं रोज उनके साथ 5-6 घंटे गुजार सकूं। उनके साथ काम करोगे? अरे तुम्हें हासिल करने के लिए मैं शैतान के साथ भी काम कर सकता हूँ। व्हाट? मेरे डैडी शैतान है? मैंने तो यूं ही मिसाल दी है, मेरी जाने जिगर के डैडी तो VIP है मेरे लिए, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, अति विशेष व्यक्ति। तो चलो मिलाओ, आज ही काम दिलाती हूँ। अरे ऐसे कैसे काम दे दूं बेटी, मेरा जो काम है उसके लिए तजुर्बा चाहिए और फिर खास किस्म का कैरेक्टर चाहिए। तजुर्बा हो जाएगा डैडी, और इनका कैरेक्टर बहुत ऊंचा है। यही तो मुश्किल है। क्या मतलब? यानी कि एक तो ऊंचा कैरेक्टर और फिर दूसरे तुम्हारी सहेली इनकी बहन है, कोई अच्छा सा काम देना होगा। ऐसा वैसा काम कैसे सौंप दूं? सेठ जी, मैं ऐसा वैसा काम भी कर लूंगा, आप जरा सौंप कर तो देखिए। नहीं रवि, नहीं, सोच समझ कर काम दूंगा तुम्हें। अच्छा इस वक्त मैं जल्दी में हूँ, बाद में फिर कभी मिलना। ओके जी हाँ। इंटरव्यू दे आए बेटे? दे तो आया हूँ माँ, अब नौकरी मिले तब ना। सुझुए कब चाय पिला दे, बहुत थक गया मैं। चाय की पत्ती खत्म हो गई है भैया, कुछ देर सबर करो, रहीम चाचा राशन लाने गए हैं। रहीम भाई, थैली खाली? हाँ मालकिन। कुछ भी नहीं दिया बनिए ने? नहीं, कहाँ पैसे लाओ, उधार नहीं मिलेगा। अब रात का खाना कहाँ से आएगा माँ, घर में मुश्किल से पाव भर चावल ही बचे हैं। क्या हो गया तुम्हें? सोहन हलवा कोई भूले से ना खाए बाबूजी, मेरा वो दिल्ली वाला दोस्त है ना जमील, वो तुम तो जानती हो माँ, अपना जमील, अरे शायद तुम नहीं मिली उसे, तो दिल्ली से सोहन हलवा लेकर आ गया। अब सोहन हलवे की 3-3 इतनी बड़ी टिक्किया उसने मुझे खिला दी, शुद्ध घी की वायु पेट से लेकर गले तक फुदक रही है, गैस हो गई गैस।
अब तीन दिन तक मैं खाने की तरफ देख भी नहीं सकता। और मैं दूसरों को खाते देख तो सकता हूँ लेकिन खुद नहीं खा सकता। वो हुआ यूं माँ के जब मैं घर लौट रहा था ना तो रास्ते में गोभी मिल गया। और वो भी दिल्ली से लौटा है, सोहन हाल वाली है। नहीं नहीं बाबूजी, उसके भतीजे का मुंडन था ना, इसने जबरदस्ती करके घर ले गया और वहां उसने मुझे जिद करके इतनी कचौड़ियां रबड़ी रसमलाई ठोसा दी कि कल तक के लिए होगी छुट्टी। इसलिए आते ही मैंने तुमसे चाय मांगी थी हाजमे के लिए। और रहीम तुम घर लौटते वक्त रास्ते में तुम्हें कौन मिला था? कोई नहीं मालिक, मुझे कोई नहीं मिला। हाँ कल रात चूरन की फंकी जरूरत से ज्यादा फांकली थी तो आज सुबह से लोटा लेकर बार बार बैतुल खला का दरवाजा झांक रहे हैं। आज फाका कर लेंगे कल सुबह। ठीक, तुम तीनों भूखे रहना चाहते हो ताकि घर के बाकी मेंबर कुछ खा सके। नहीं नहीं बाबूजी, कैसी बात कर रहे हैं? समझ रहे हैं? नहीं बच्चों, सुख दुख बांटना हमारे घराने की परंपरा है। लक्ष्मी, आंखों में आंसू क्यों? अपने दुर्भाग्य पर हमारे जीते जी अपने बच्चे भूखे रहे, ये दिन भी देखना था। मिस्टर विजय, मुझे आपसे कुछ कहना है। पिछली दो मुलाकातों में कोई कसर रह गई है क्या जो आप पूरी करनी है? देखिए मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए, प्लीज आइए ना, प्लीज बैठिए। कहिए क्या कर सकता हूं? मैं आपसे उस दिन के लिए माफी मांगती हूँ। मैं आपको कभी गलत ना समझती। अगर उस दिन पूना में आपके भाई मुझे चकमा ना देते कि आप विजय सिंह पहलवान हैं। ओ, बड़ा ही शैतान है मेरा छोटा भाई, अक्सर ऐसी हरकतें किया करता जी। अब मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। चलिए भूल जाइए वो सब। तो फिर इजाजत दीजिए, चलता हूँ। सुनिए तो जी, आजकल आप लोग बड़ी तकलीफ में होंगे ना, बुरा मत मानिए। हम अखबार वालों को नामवर लोगों की पूरी खबर रहती है। आप प्रेम बाबू के बेटे हैं ना? जी हाँ। पल में क्या से क्या हो गया, कुछ दिन पहले कितने बड़े आदमी थे। अब भी है राधा जी, वो निर्धन हो गए तो क्या? मानती हूँ गरीबों का पालनहार सदा महान रहेगा। अब तो बस एक ही फिक्र है मुझे, बाबूजी का सारा बोझ मैं अपने कंधों पे ले सकूं और घर का पूरा खर्च मैं चला सकूं। कविताएं छपवा के कितने दिन चला सकेंगे आप? आप कहीं अच्छी सी नौकरी क्यों नहीं कर लेते? कहां? इसी दफ्तर में मिलेगी। क्यों नहीं, मैं जानती हूँ श्रद्धा देवी को आपकी कविताएं बहुत पसंद है और वो थोड़ा बहुत मुझे भी मानती है। मैं बात करूंगी उनसे। थैंक यू राधा जी। आ गई श्रद्धा देवी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। मॉर्निंग। बड़ी शानदार महिला है ये और समझदार भी। हे भगवान, ये कैसा चमत्कार। पुकार सुनने वाले नटखट उधर है मालकिन, लेकिन चमत्कार करने वाला नटखट तो इधर है, आपका बेटा। वो 2000 रुपए मुझे उजारा पब्लिकेशन ने दिए है माँ, मेरी कविता छपने का एडवांस। मेरे लाल, अजी सुनते हो, हमारा बेटा 2000 रुपए एडवांस लाया है। सच? वो लोग तुम्हारी कविता छापेंगे? जी हाँ बाबूजी। और बाबूजी आपके आशीर्वाद से मुझे उजाला अखबार में असिस्टेंट एडिटर की नौकरी भी मिल गई है। वाह लक्ष्मी, ये है इस जौहरी का असली हीरा। मेरे कॉलेज की फीस भर दोगे ना भैया? कल से मैं कॉलेज जा सकूंगी ना? जरूर सुजाता, तू जितना पढ़ना चाहे उतना पढ़ाएगा तेरा भाई। ओ भैया, मैं सब पॉइंट्स नोट करके कल तुम्हारी नोटबुक वापस कर दूंगी। याद रहेगा ना? हाँ, तो मुझे याद रहेगा। ओके बाय। ओके बाय बाय। हेलो डार्लिंग। शट अप। आप? अरे छोड़ो आप वो शट अप वाला तीखा मुंह चलने दो। कसम से बड़ी प्यारी लगी। कब आए कलकत्ते से? कल ही, और आते ही आप लोगों के बंगले पे गया, मगर वहाँ तो मेरी दुनिया ही अंधेरी हो गई। अब हम बंगले में नहीं छोटे से घर में रहते हैं, चलिए ना वहाँ, बाबूजी आपको देखकर बहुत खुश होंगे। अरे उन्हें बाद में खुश करते रहेंगे, पहले हम दोनों तो जी भर के खुश हो लें। तो चले, आज अपना मूड बड़ा नटखट है, आओ चले। नहीं नहीं माँ घर में मेरी राह देखेंगी,
अरे वो घर पे बैठी है डार्लिंग, और तुम्हारा होने वाला पति कॉलेज गेट पे 3 घंटे से तुम्हारी राह देख रहा है। उसका कुछ तो ख्याल करो। चुपचाप चलो, मुझे आज रात के प्लेन से वापस जाना है। लेकिन मेरी बात तो सुनो। अरे चलो यार। अरे भाई ये रास्ता क्यों रोका है? कौन है तुम लोग? सीधी तरह वो हीरों का हार निकालो सेठ। हाँ निकालता हो, भाग से रास्ता नहीं मिलेगा। डोला थी हार निकालो सेठ। कौन सा हार? ये हार नहीं, 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 निकाल वरना तेरा भी कीमा बना डालूंगा। निकाल देख साले सेठ, निकाल साला देख। पहरे पे ना अंकल जी। जी तो बैठे। अंकल जी आप भी मर्द है? बिलीव मी। पैर रे तके। ओहो रवि, आज तुमने मुझे बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया है। बहुत बड़े नुकसान से? हाँ। क्यों, इस बॉक्स में करोड़ों का हार है क्या? हाँ? नहीं नहीं, एक 2 लाख का होगा सिर्फ। अच्छा अच्छा, लेकिन जो एहसान तुमने मुझ पर आज किया है उसका बदला मैं कैसे चुकाऊंगा? सेठ जी मुझे अपने काम पे रख लीजिए। पर कौन सा काम दूं तुम्हें? अब कोई ऐसा काम जिससे मैं साल 1.5 साल में कम से कम लखपति बन जाऊं। सीधे और सच्चे काम करने से इतनी जल्दी कोई भी लखपति नहीं बन सकता रवि। वो लोग दूसरी किस्म के काम करते हैं। मैं तीसरी और चौथी किस्म का काम भी कर सकता हूं सेठ जी, क्योंकि मैंने देख लिया है इस दुनिया में जिसके पास दौलत होती है दुनिया उसी का नाम लेती है। इसलिए दौलत कमाने के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूं। सब कुछ? सब कुछ आप आजमा कर देखिए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। वो तो ठीक है, लेकिन लेकिन ललिता, आप ललिता की फिक्र मत कीजिए, मैं उसको थोड़ी बताऊंगा हम लोग कौन सा गुल। हेलो रवि। ओह हाय ललिता। कहाँ है तुम? अभी सेठ जी के साथ। बेटी आज से हमने रवि को नौकरी पर रख लिया है। वंडरफुल, क्या काम दिया है? अपना सेक्रेटरी का। हाँ सेक्रेटरी का। अच्छा अच्छा भाई, तुम दोनों आपस में बातें करो, मैं ये बॉक्स तिजोरी में रखता हूँ। जी। वेरी स्ट्रेंज, उस दिन मेरे कहने पर भी डैडी ने तुम्हें काम नहीं दिया, आज कैसे दे दिया? साहब टीशम टीशम का कमाल है, इस हार को हासिल करने के लिए कुछ गुंडों ने तुम्हारे डैडी पर हमला किया, मैंने उनकी छुट्टी कर दी, नौकरी हासिल कर ली। और जानती हो गुंडे कौन थे? कौन थे? वही जिन्होंने तुम पर पूना में हमला किया था। बड़ी मुश्किल से धर्मदास को चक्कर में डाल के वो हीरे उसके घर से निकलवाए थे ताकि तुम लोग उसे रास्ते में लूट लो। मगर हम करें। अरे तुम लोग घर नहीं हो सके और छोड़ गए। पूना में भी धर्मदास की लौंडों को उठा पाए थे, वहां भी जो वो लौंडा आने आ गया। थोड़ा मुझे सड़क पे बेहोश होने की एक्टिंग करनी पड़ी वरना साले का दर्द था थोड़ा। ऐसे जूता मारा वो तो ठीक है, लेकिन इतनी जोर से घुसा क्यों मारा? तूने सड़क पे इतनी जोर से लकड़ी क्यों मारी थी बूदने के? पकौड़ा उछला है सर पे। आए धीरे से मारता तो वो सेठ नहीं डाल लेता और फिर पोल खुल जाती, फिर क्या होता? चुप। अब वो अबनूर हीरे उड़ाने के लिए मुझे कोई नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा। सो रही हो क्या? नहीं। लेकिन यूं परेशान कब तक रहेंगे आप? तुम्हें परेशानी नहीं है, रात का 1 बजने गया अभी तक रवि नहीं लौटा। आ जाएगा, आप सो जाइए ना। माँ हो ना इसलिए कह रही हो, अगले जन्म बाप बन जाना फिर पता चलेगा औलाद का दर्द क्या होता है। अरे हंस क्यों रही हो? इस उम्र में भी आप बच्चों जैसी बातें करते हो। ठीक है अगले जन्म में मैं बाप बनने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है,
कि आप मां बनना। शायद आ गया। बाबूजी, जी बाबूजी, घड़ी देखी? बंद पड़ गई है क्या? चालू है। ये कोई घर आने का वक्त है? वो क्या हो गया? तुम्हारी बहन की नींद टूट जाएगी। इस वक्त मैं तुम्हें ठीक से डांट भी नहीं सकता। इस वक्त सिचुएशन जो है वो डांटने वाली नहीं है बाबूजी, आशीर्वाद की है। रात को 1 बजे घर लौटने का आशीर्वाद चाहते हो मुझसे? जी नहीं, नौकरी मिलने का आशीर्वाद चाहिए मुझे। नौकरी तुझे? कहीं सिनेमा घर में डोरकीपर बन गए हो क्या, जो इतनी देर से आए हो? वो क्या है बाबूजी, वो क्या है माँ? इंश्योरेंस एजेंट बन गया हूं ना मैं। इंश्योरेंस एजेंट? फिर अब बड़ा बीमा हासिल करने के लिए बड़े बड़े लोगों से मेलजोल रखना पड़ता है, फिर उन्हें कुछ भी करना पड़ता। आज एक बहुत बड़ा सेठ मुझे अपने साथ टास्क पर ले गया। अच्छा, फिर? हाँ माँ, तुम देखना कैसे मैं उसकी लाइफ को इंश्योर करता हूं। अब देखो मां भले ही मैं आधी रात को घर लौटूं, लेकिन महीने का 8-10 हजार रुपया मैं बड़े प्यार से कमा लूंगा। तो फिर बोलो, कमा के दिखाओ बेटे, फिर मानेंगे। अच्छा जाओ सो जाओ, वरना ये तुम्हारी मां चहकती रहेगी और बच्चों की और मेरी नींद खराब हो जाएगी। जाओ, मुझे आशीर्वाद दो मां। जीते रहो बेटा। नाम में धर्म और काम में पाप। शहर के एक बड़े जौहरी जिनके नाम का एक हिस्सा धर्म भी है, जेवरात की दुकान के साथ एक क्लब चला रहे हैं, जिसके नाम में 3 जक्के जुड़े हुए हैं, यानी कि हमारा 3 एसिस क्लब। धर्मदास बाहर निकाल! What nonsense! कौन हो तुम? घुटते क्या हो? हथौड़ा। What? यानी के पटाखा हो पटाखा। सेठ धर्मदास की छोकरी हो ना? हाँ। जाओ कह दो अपने बाप से कि दुर्लभ आया है, और ये भी कह देना कि मुझको घूर घूर के देख रहा था, भागकर आधा का कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए। जाओ। आप दुर्लभ को जानते हैं? क्यों, क्या हुआ? नीचे आया है, बोलिए आप उसे जानते हैं? हाँ। I'm amazed, Daddy. उस जैसे लोगों से जान पहचान है आपकी। क्या करते हो, तुम कैसे जानती हो? कैसे ना जानूंगी, आते ही मुझे घूरने लगा, बदतमीजी की बातें की, पक्का लोफर है लोफर। अब उसकी खबर लेता हूँ। उसे घर से बाहर निकालिया डैडी? हाँ जरूर निकालूंगा, लेकिन बेटी जब तक उसे निकालना लो तुम नीचे मत आना। ये क्या बदतमीजी है तुम्हारी? यह जुर्रत मेरे घर आकर मेरी बेटी को घूरा तुमने? और अब बाप को घूर रहा हूं। जी करता है तुम्हें कच्चा चबा जाओ। क्या बकवास करते हो? आज के उजाला अखबार में यह खबर कैसे छपी जिसमें मेरे नाम की तरफ इशारा है? मुझे क्यों दोष देते हो? मेरे नाम की तरफ भी तो इशारा है। मैं क्या बेवकूफ हूँ जो खुद अपने पापा को लड़ी मारूंगा? जरूर तुम्हारी तरफ से चूक हुई है, डेफिनेट। हो ही नहीं सकता, मेरे सारे आदमी भरोसे के। बना मैं तुम्हें, तुम्हारा कोई आदमी विभीषण बना है, इसीलिए हमारे अंदर की बातें बाहर तक पहुंची है। कौन हो सकता है? मैं तो खुद परेशान हूँ। अगर ऐसे 2-4 लेख हमारे बारे में और छप गए तो हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे, मारे जाएंगे। दुर्लभ को मारने वाला कोई सूरमा इस धरती पर पैदा ही नहीं हुआ है। देख लूंगा मैं उस उजाला अखबार को। नहीं नहीं नहीं, चेंज नहीं करना, वो सारी गड़बड़ चेंज से होती है। जैसा मैंने कहा वैसा ही लिखो। नहीं नहीं, हेलो एडिटर नेटवर्क फोन पर। सुनो खच्चर, अगर जान प्यारी है तो धर्मदास के बारे में झूठी खबरें छापना बंद कर। अरे जा जा, हमको धमकी देता है, अभी तो शुरू किया है, दर्जनों लेख छपेंगे क्योंकि खबर सच्ची है। सुन बे जोकर नटवर, तू मुझे नहीं जानता इसीलिए चेक रहा है। मैं 4 कत्ल कर चुका हूँ, दोबारा तूने ऐसा लेख छापा तो मैं तेरी पुंगी बजा दूंगा। मैं तेरा बैंड बजा दूंगा, फोन पे धमकी दे रहा गीदड़। अरे माँ का दूध पिया तो सामने आकर बात कर, शेर की मूछ रखता है ये मर्द बच्चा, नजर मिला के देख तेरी भूख खिसक जाएगी। हट। किसका फोन था नटवर जी? अजी था कोई धर्मदास का कॉकरोच, तुम्हारे लेख बंद करवाना चाहता है। अरे उसका बाप भी बंद नहीं करा सकता। तू जुटी रहे बच्ची, इन भेड़ियों का भांडा फोड़ के रख दे, खबरें और फोटो लाती जा, असली काम मैं करूंगा। मैं
ये फोटो और खबरें ले आई तो फिर कौन सा असली काम रहेगा नटवर जी? छापना, छापने का हुक्म तो मैं ही दूंगा ना भैया। बड़ी मेहरबानी सर, हमारा काम तमाम हो गया, अगर आप इजाजत दें तो हम। बेधड़क जाइए, बेधड़क जाइए, मगर सुनो राधा, अगर उस कॉकरोच का फोन आए या वो खुद आए तो शेरों वाली इस मूछ को पुकार लेना, हम आ जाएंगे। जरूर सर, बड़े मेहनती हो दोनों, जाओ।